to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Welcome to break. नाज़रीन हम वापस आ चुके हैं, बात कर रहे थे BSN 4 साला डिग्री प्रोग्राम पे। तो हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो ये है कि इसके अंदर क्या ये जो सिस्टम है ये सेमेस्टर वाइज होगा या एनुअल सिस्टम होगा इसका? देखिए, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि ये यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है तो ये सेमेस्टर नहीं है, ये एनुअल प्रोग्राम है। ठीक है, तो इनके हर साल के कम्पलीशन ऑफ एवरी वन ईयर, तो हर साल के एंड में इम्तिहान यूनिवर्सिटी लेती है। ठीक है, इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं, एक एनुअल एग्ज़ाम और एक सप्लीमेंट्री। ठीक है, जो बच्चे अगर बदकिस्मती से ना एनुअल में पास कर सके तो उनको सप्लीमेंट्री का चांस मिलता है, लेकिन वो अपने सेशन के साथ रहते हैं। ठीक है, अगर खुदा न खास्ता सप्ली में भी वो ना क्लियर कर सकें तो फिर वो डिटेन हो जाते हैं। तो ये एनुअल सिस्टम बेस्ड है। जो इनके पास चांसेस कितने होते हैं, कितनी दफ़ा वो जो है कोशिश कर सकते हैं, एग्जामिनेशन में एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं? देखिए, मेडिकल के जो MBBS हैं उसमें तो जो नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट हैं वो शुरू के जो 2-3 साल हैं उसमें तो 4 मैक्सिमम 4 अटैम्प्ट हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आमतौर पे चूँकि नया प्रोग्राम है, अब तक ऐसा कोई केस आया नहीं और कोई ऐसा यूनिवर्सिटी ने इनका अभी तक ले डाउन नहीं किया कि इनकी मैक्सिमम अटैम्प्ट कितनी है, लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो आमतौर पर बच्चे माशाल्लाह, देखिए ना, हमारे कॉलेज में जो मेरिट इतना रहा कि 900 प्लस वाले बच्चे ही दाखिल होते हैं FSC लेके, तो इसलिए वो बच्चियां माशाल्लाह बहुत उनके रिजल्ट तो मेरिट हमने पहले देखा जी, उसके बाद तो मेरिट तो माशाल्लाह बेहतरीन है, लेकिन एक मासूमाना सा सवाल था लेकिन करना ज़रूरी था। इसके अलावा जो इसका ग्रेड है, जब BSN कर लेंगे नर्सिस तो उसके बाद इनका ग्रेड क्या होगा फिर? देखिए, पुराने प्रोग्राम में जो नर्सिंग की जो गवर्नमेंट सेक्टर में इंडक्शन होती थी वो 16 स्केल में होती थी। अब 16 स्केल के बाद उनकी एक अपना प्रमोशन चैनल था, जो अपनी क्वालिफिकेशन बाद में इम्प्रूव कर लेती थी वो 17, 18, 19 तक भी गई हैं, और उनका फिर स्टाफ नर्स से शुरू होके फिर सिस्टर इंचार्ज और इवन मैटर्न तक गई हैं। कुछ ऐसी इनकी डेजिग्नेशन और ऐसी इनकी होते हैं ओहदे जिसके ऊपर उनको क्वालिफिकेशन इम्प्रूवमेंट के बगैर नहीं वहाँ तक पहुँचा जा सकता। उसमें टीचिंग कैडर है नर्सिंग इंस्ट्रक्टर का, सीनियर नर्सिंग इंस्ट्रक्टर का, या कॉलेज की जो प्रिंसिपल है उनकी क्वालिफिकेशन डिफाइन है, यानी एक आम डिप्लोमा वाली कॉलेज की प्रिंसिपल नहीं बन सकती जब तक कि उन्होंने आगे पोस्ट ग्रेजुएशन ना की हो। ठीक है, तो उस इंडक्शन इनकी 16 में थी। BSN के बाद अब चूँकि ये ग्रेजुएट होंगी तो जिस तरह हमारे डॉक्टर्स 17 में होते हैं तो इनकी इंडक्शन गवर्नमेंट का प्लान है 17 में करने का, तो वो फिर इनका अभी इनका सर्विस स्ट्रक्चर जो है बन रहा है, का कुछ इनका बन भी गया हुआ है, तो फिर इनकी इंडक्शन 17 से होगी। पर नोबेल प्रोफेशन है जी, और इसके अंदर मेरा जिस तरह पहले एक कॉन्सेप्ट था लेकिन अब वो नहीं रहा, बहुत अच्छे अच्छे घरानों के भी बच्चियां यहाँ पे आती हैं बड़े मेरिट वाली, तो वो एक उनकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी, बाहर भी, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा है। मेडिकल शोबे में ये हार्ट का जो है ना वो मुकाम रखती हैं, और ये वाकई ऐसा है। तो डॉक्टर साहब, आपका जो ये जो इंस्टीट्यूट है शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर जो नर्सिंग कौन से जो नर्सिंग प्रोग्राम करवाते हैं आप लोग? जी, हमारे जो शेख जायद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा इदारा है, एक कंपोनेंट है शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज, उसमें एक पार्ट उसका कॉलेज ऑफ नर्सिंग है। हमारे पास इस वक्त डिप्लोमा नर्सिंग जो शुरू से जब से ये स्टार्ट हुआ है 1992 से हम चला रहे हैं, ये वाला स्कूल पहले था और फिर कॉलेज का दर्जा हो गया, तो इसमें जो डिप्लोमा वाली जो नर्सिंग जनरल नर्सिंग है वो 100 स्टूडेंट्स हैं पर ईयर। ओके, और ये बाकायदा हमें नर्सिंग काउंसिल ने अप्रूव किया हुआ है। ठीक है, हमने काफ़ी सालों से 7-8 सालों से हमने BSN नर्सिंग भी शुरू किया। जब हमने स्टार्ट किया था तो उस वक्त ये पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम वफाक में थे उस वक्त, तो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ प्रोग्राम था। अब कुछ जब हमारा शिफ्टिंग हो गई टू द पंजाब गवर्नमेंट तो फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से हम एफिलिएट हैं, उसमें हमें BSC नर्सिंग का पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल ने हर साल 4 साल प्रोग्राम है तो 25-25 स्टूडेंट की परमिशन दी हुई है। तो पैरेलल हमारा जहाँ जनरल नर्सिंग चल रहा था उसके साथ साथ ये BSN प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है।
अब चूँकि कन्वर्ट हो गया तो अब हमने उनसे थोड़ी एडवाइस और हमने उनसे के लिए लेटर लिखा हुआ है कि हमारा ऑलरेडी जो 100 नर्सिस वो और 25 की हमें पहले मिली है, तो हमें वो चूँकि नर्सिंग काउंसिल ने हमें ये अप्रूवल देनी है कि हमें वो सारी की सारी सीटों को कन्वर्ट करें, तो क्या हमें 125 या 100, तो वो हम जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये ऑलरेडी हमारे पास ये है। इसके अलावा हमने एक प्रोग्राम अभी रिसेंटली शुरू किया है, वो है पोस्ट आरएन। जो पहले से ही जनरल नर्सिंग जिन्होंने की है उनको एक अपनी एजुकेशन अपग्रेड करने का एक मौका हमने दिया और बड़ी एफर्ट की, जिसमें नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल, उनके तमाम स्टाफ, हमारे डीन और चेयरमैन एंड डीन जो हमारे हाईएस्ट इस वक्त हायरार्की में इदारे के हेड हैं, उनकी मुसलसल और हमारे जो हॉस्पिटल के तमाम अमले की, स्टाफ की, प्रोफेसरों की और ज़ाती तौर पे मैंने इसमें बड़ी एफर्ट की विद माय ऑल स्टाफ कि हमने पोस्ट आरएन शुरू किया। उसका बाकायदा पीएनसी का इंस्पेक्शन हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें 40 स्टूडेंट हर साल एडमिट कर, दो साल का प्रोग्राम है, वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के साथ एफिलिएट है, डिग्री है, उसके बाद इनको बीएसएन की डिग्री मिल जाएगी। तो उसे हम कहते हैं पोस्ट आरएन। पोस्ट आरएन पहले भी होता रहा ताकि वो क्वालिफिकेशन इंप्रूवमेंट का एक ज़रिया है, बच्चियों को तालीम बेहतर हो जाए, उनकी अपग्रेडेशन है, जो लोग टीचिंग में आना चाहती हैं, जो आगे अच्छे अपना इंटरनेशनल लेवल को मीट करना चाहते हैं, तो वो एग्जिस्ट कर रहा था, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि दो साल वो प्रोग्राम करके और वो पोस्ट आरएन की बीएसएन की उनको डिग्री मिल जाती है। तो अब तो चूँकि बुनियादी इंडक्शन ही बीएससी लेवल की है तो उधर से होगी, तो इसलिए फिर जो पुरानी है उनके लिए पोस्ट आरएन भी यहाँ पर चल रहा है। नाज़रीन एक यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वक्त आ चुका है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस, वेलकम टू ब्रेक। नाज़रीन हम वापस आ चुके हैं और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शेख जैद हॉस्पिटल के अंदर हम मौजूद हैं इस वक्त। हमारा जो जिस तरह बात कर रहे थे आपके स्कूल के बारे में, तो क्या इसके अंदर आप जो हम आपके स्टूडेंट्स हैं, क्या उसके अंदर मैं हंसी भी आ रही है, सवाल थोड़ा सा मासूमाना सा है कि आप उनसे फ़ीस भी चार्ज करते हैं? पहले तो जी मैं थोड़ी सी तसीह कर दूँ माजरत के साथ कि ये स्कूल नहीं है, कॉलेज है, ठीक है, नर्सिंग कॉलेज। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जी बच्चियाँ जो हैं शुरू से ही, जब से ये इदारा बना तब से ही, बजाय हम उनसे फ़ीस लेने के हम उनको स्टाइपेंड पे करते हैं मंथली डे वन से। शुरू में जब एडमिशन क्राइटेरिया, उसमें बहुत नॉमिनल चार्जेस का एडमिशन फॉर्म होता है और उसके अलावा हम कोई भी इनसे चार्ज नहीं कर रहे। जो जनरल नर्सिंग में हम 20,000 से ज़्यादा पर मंथ स्टाइपेंड दे रहे हैं। और 100 नर्सिस, स्टूडेंट नर्सिस वो देख लें हर क्लास में, तो अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करें तो 400 बच्चियों को हर माह 20,000 पर बच्ची को 20,000 से ज़्यादा है, 20,000 से ऊपर है, 20-21 के दरमियान है। बीएसएन का हमारा स्टाइपेंड 31,000 है पर हर बच्ची का। तो वो ऑलरेडी इसमें हमें चूँकि वन लाइन ग्रांट बजट आता है तो उसमें अप्रूवल अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मिली है ताकि हम इस प्रोफेशन को प्रमोट करें। तो बजाय ये कि हम उनसे फ़ीस चार्ज करें, जिस तरह प्राइवेट इदारे तो इनसे फ़ीस चार्ज करते हैं, पोस्ट आरएन की जो है वो चूँकि सारी कॉलेजेस जितने भी सरकारी उसमें आ रहे हैं वो चार्ज करते हैं, तो जो इस वक्त पंजाब के में मुख्तलिफ जहाँ पोस्ट आरएन हो रहा है कॉलेजेस में, उस हिसाब से उनकी एक नॉमिनल सी फ़ीस रखी है। लेकिन जो जनरल नर्सिंग और बीएसएन, अगर बीएसएन होता है तो हम स्टाइपेंड अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हर महीने 1 करोड़ से ऊपर स्टाइपेंड बच्चियों पे हम खर्च कर रहे हैं। तो ये बड़ा सहूलियात इनको बच्चों के क्या मैसर होती हैं नर्सिस? देखिए दो तरह की मैं इसको कैटेगराइज करूँगा जो हम इनको फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। एक तो उनको जो माहौल हम दे रहे हैं, एकेडमिक, तालीमी और ट्रेनिंग माहौल, एक तो वो सहूलियात आ जाती हैं उसमें। हमारे पास बेस्ट फैकल्टी अवेलेबल है नर्सिंग की, हमारे हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स तक, एसोसिएट असिस्टेंट और हॉस्पिटल की जो, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है पेशेंट बेड साइड ट्रेनिंग, तो वहाँ पे तमाम हमारा हॉस्पिटल का स्टाफ इन्वॉल्व है, फैकल्टी इनकी टीचिंग में इन्वॉल्व है, इनकी तमाम माहाना बेसिस पे टेस्ट होते हैं, एनुअल इनका इंटरनल इम्तहान होते हैं, इनकी इंटरनल असेसमेंट बनती है। तो उसमें एक तो ये सहूलत हम इनको एकेडमिक, जितनी भी हम इनके तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, जो टीचर्स हमारे पास जैसे इंग्लिश है, फिज़िक्स केमिस्ट्री भी इनमें एक सब्जेक्ट है वो भी पढ़ना है, उनके लिए हमने बाकायदा विजिटिंग फैकल्टी भी रखी है, रेगुलर टीचर हमारे यहाँ पे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें फुलफ़िल कर रहे हैं। एमएससी नर्सिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है।
दूसरी अगर आप सहूलियत कहें कि इनकी जो बच्चियों का रहना जो दूसरे शहरों से आ जाएं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 350 से ज़्यादा बच्चियां हॉस्टल में रह रही हैं। इस प्रेमिसेस का अगर मैं सबसे जो खूबसूरत हॉस्टल है वो नर्सिंग की बच्चियों का है। अच्छा, वहाँ उनके लॉन बड़े खूबसूरत हैं, 24 आवर्स सिक्योरिटी हमने दी हुई है, प्रॉपर उनका मैस है, मैस में वहाँ पे वार्डन के अंडर, हाउसकीपर्स के अंडर तमाम वहाँ पे स्टाफ है। तीनों टाइम इनको वहाँ पे नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर इनका मैस वहाँ मेंटेन है। कमरे इनके वेल जो वेंटिलेटेड और प्रॉपर इनके बिल्डिंग है और न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है और लॉन इनके बड़े वसी हैं। तो टोटली हमारा क्लोज CCTV कैमरा मोनिटर्ड इनका सारा सिक्योरिटी सिस्टम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियों का आना जाना, उनका रहना यहाँ पे पेरेंट्स बड़ा सिक्योर फील करते हैं, बच्चियाँ सिक्योर फील करती हैं। उनकी वहाँ पे प्रॉपर जिस तरह से उनकी ड्यूटी रोस्टर के मुताबिक एग्ज़िट एंट्री बहुत अल्हम्दुलिल्लाह वार्डन साहिबा जो हमारी हैं वो बहुत कंट्रोल करती हैं। तो ये तमाम सहूलियात हम इनको यहाँ पे दे रहे हैं, यानी कि माशाल्लाह यहाँ के जो सहूलियात हैं बहुत आला। फिर देखिए ना इनकी इसके अलावा इनका जो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग और टीचिंग में कम्युनिटी विजिट्स होते हैं, मुख्तलिफ हम जगहों पे इनको लेके जाते हैं, जैसे कि कोई रूरल हेल्थ सेंटर हो गए, इसी तरह कुछ इनको हमारे जो नज़दीकी इदारे हैं वहाँ पे कोई डिस्पोजल सिस्टम की वहाँ पे विजिट्स होते हैं, तो वो हमारी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, सीनियर टीचर साथ जाती हैं विद ऑल प्रॉपर सिक्योरिटी। तो ये सारी सहूलियत तो बड़ा अच्छा कदम है हमारे पाकिस्तान के अंदर। यह कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो असल नाज़रीन बात ये है कि हमें थ्योरी के बारे में बताया जाता है, प्रैक्टिकल जो है ना वो चीज़ें कम दिखाई जाती हैं। तो इसको तो मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि ये तो जो प्रैक्टिकल चीज़ दिखाना, उस चीज़ को हमेशा जो है, मैं भी जो है पढ़ के आया हूँ, मुझे पता है कि प्रैक्टिकली जो चीज़ याद रह जाती है वो थ्योरी जो है, थ्योरी तो हमेशा जो है याद नहीं रहती, प्रैक्टिकल चीज़ जो है वो याद रहती है हमेशा। तो डॉक्टर साहब आपका मैं दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो डॉक्टर साहब बहुत मसरूफ़ थे, मैं जो हूँ इनका बड़ा बेहद मशहूर हूँ। तो आज हमने इसमें जो समराइज़ किया है, आज हम बात कर रहे थे BSN 4 साल डिग्री के हवाले से। तो 4 साल डिग्री जो है वो क्या है, इसके अलावा इसके फ़वाद क्या हैं, हमने डिटेल के साथ डॉक्टर साहब ने आपको बताया। आपने डॉक्टर साहब की जो बातें सुनी उस पर गौर भी करना है, अमल भी करना है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब ने जो है नर्सिंग कॉलेज जो है शेखा फातिमा इंस्टीट्यूट का, उसके हवाले से भी जो सहूलियात बताई हैं वो भी आप उसको मद्दनज़र रखें। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको देते रहें, तो अपना फीडबैक जो है वो हमें आप नीचे कमेंट्स के साथ दें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेकबान।